नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय बिगेस्ट क्लासेज में। तो आज हम लोग लगाएंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 30, और इससे पहले आपने 29 तक प्रैक्टिस सेट सर के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, सर हप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार इस्तवादर द ला लिथरे थ्योर एंदोई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है, वीर गाथा काल को संधिकाल एवं चरण काल की संज्ञा किसने दी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, आदिकाल को वीर गाथा काल संज्ञा किस आलोचक ने दी? वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, शौर से यानी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर खुमार रासो के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, दलपत विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक बनाने वाले विद्वान निम्न में से कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो इसका जूम थोड़ा कम कर दूँ तो आपको ऑप्शन से दिख जाए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इतिहास लेखन का उनकी परंपरा का सूत्रपात, ऑप्शन नंबर आ राइट होगा, गारसादा तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर मलिन विमोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास ग्रंथों में सही अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उपसर्ग नहीं है, इसका ऑप्शंस है पराश्रित, पराभव, परामर्श, पराजय, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ, पराश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, उत भी राइट है, उत भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, मतलब दिए गए ऑप्शंस में से एक ऐसा है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन, तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तनुजा। तनुजा जो है बेटी का पर्यायवाची होता है, पुत्री का, बाकी जो दिए हुए हैं वो यमुना के पर्यायवाची हैं, यमुना को सूर्य की पुत्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्तिका विलोम है, मर्तिका विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सा, अमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैमनस्य का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, सौमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सौमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, बेखबर। बेखबर क्या है? ये समास दिए हुए ऑप्शंस में द्वंद्व है या द्विगी है या अव्ययी है या तत्पुरुष है। तो इसका राइट आंसर होगा अव्ययी, जो मूल शब्द के आगे उपसर्ग लग करके उसमें जो है परिवर्तन होता है उसके अर्थ में, तो वही हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं, अर्थात एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, में कराकर में कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जिसमें कराकर एक काम करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो वो कराकर जिसमें लास्ट में आता है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? तो प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को ही कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। आपको पता होगा प्रेरणार्थक क्रियाएं किसे कहते हैं, जिन जब कर्ता जो है किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। ठीक है, और इसमें तीन क्रियाएं होती हैं, मूल क्रिया में हंसना ही हो गया, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है हंसाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी हंसवाना। ठीक है, हंसाना हंसवाना, मूल क्रिया हंसना। अगला क्वेश्चन है हमारा किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, त्योहार। इसमें औ की मात्रा लगेगी, डबल मात्रा यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द भी आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भ, पुनरावलोकन होता है, लेकिन यहाँ पे आ की मिस्टेक है, पुनर्वलोकन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकर्मक क्रिया है, तो इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है खाना, उठना, पीना, लिखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उठना, अकर्मक अर्थात कर्म रहित। तो जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं हमारे, जो आदतें होती हैं, वो अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, जैसे उठना, सोना, रोना, बैठना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सहायक क्रिया प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग तथा वचन से। ठीक है, और एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे एक वचन में हो गया राम जाता है, और बहुवचन में हो गया वे जाते हैं, तो दोनों का सहायक क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। एक में एक वचन के साथ जाता है का प्रयोग हो रहा है, और बहुवचन के साथ जाते हैं। अब देखते हैं वचन कैसे सहायक क्रिया को प्रभावित करती है। जैसे वचन में हो गया एक वचन, वह क्रिकेट खेलता है, तो इसमें खेलता है क्रिया है, और जब वे क्रिकेट खेलते हैं तो खेलते हैं क्रिया आ रही है, तो दोनों में दोनों चीज़ों से क्रिया पर हमारे प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहलवाया, और इसे मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, तम तमा युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। तो तम का अर्थ होता है अंधकार, और तमा का रात्रि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नग नाग युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ और सर्प। नग का मतलब होता है पहाड़ और नाग अर्थात सर्प। तो आज की कंप्लीट हो गई हमारी टेस्ट सीरीज। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन, और आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट निकले हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।